गाइस कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीषा के स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज में। दोस्तों आज हम हो गए नहा धोकर के रेडी और आज हमने कुछ ऐसा ड्रेस वेयर किया हुआ है। तो अभी ना मेरा बाल बहुत ज़्यादा गीला है और मेरे को ना थोड़ा वीडियो शूट करना है, तो जल्दी में मेरे को अपने बाल को भी सुखाना है। तो अभी पूजा पाठ करेंगे, बाकी आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का ब्लॉग बिल्कुल इंजॉय करने के लिए ही होगा, हम कुछ ऐसा चाहेंगे। और अभी अपना रेडी हो गया है सुबह, अभी देखते हैं बाल थोड़ा स्टाइलिश करें। पूरा सामान हमारा रूम देखना कैसे बिखरा हुआ है, हमने यहाँ पे साफ सफाई किया कि बेड को घुमाना है, लेकिन ये तो और इधर से एकदम कबाड़ी जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले बेड जब तक नहीं घूमेगा तब तक साफ सफाई मुँह पे चला दी। तो ये देख सकते हैं अभी हम इससे जा रहे हैं अपने बालों को ड्राई करने, ये है अगारो का। और अगारो का आप सभी को पता है कि हम बहुत टाइम से यूज करते हैं, तो ये सच में बहुत अच्छा है। ये जो ब्लोअर है ना, इसमें अलग अलग अटैचमेंट दिया हुआ है, मतलब तीन अटैचमेंट है। और तो एक इसमें तो मसाज करने वाला भी है, मतलब सिर में दर्द हो तो मसाज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बाल डैमेज नहीं होता, तो अपने बालों को थोड़ा वो कर लेते हैं। वैसे बाल ड्राई करने से ना बाल बहुत डैमेज होता है, लेकिन ये ड्रायर बहुत अच्छा है। अगर इस पर आप सभी को बता देना कि ये जो अगारो का है ना, इसमें बहुत ही फ़ायदा है। एक तो ये कम प्राइस का है और दूसरा ना इसे गर्म हवा और ठंडा हवा दोनों देता है। तो अगर आप सभी को लेना है तो इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी चलिए बाल को ड्राई करते हैं और उसके बाद से बिल्कुल। तो दोस्तों अभी बाल मेरा सूख गया है और अभी थोड़ा सा हम सीरम लगाना भूल गए थे, तो सीरम लगा लेते हैं हल्का फुल्का। और मतलब लगाए थे एकदम थोड़ा सा ही लगाए थे, उसके बाद लगाना भूल गए। तो देख रहे हैं उसके बाद ना बाल थोड़ा ठीक हो जाता है। बाकी मम्मी उधर रेडी हो गई है और अब तो पूरा ग्रीन 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 दिख रहा है उधर। अब वीडियोस बहुत अच्छा बनेगा, बहुत लोग बोल रहे थे कि आप अपना रूम सही कर लो। ये रूम जब तब सही होगा ना जब एडजस्टमेंट कैसे करें, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो बेड है इस एंगल से है तो और भी नहीं पता लग रहा है कि क्या करना चाहिए। और ये ऐसा है कि एक आदमी से होने वाला है भी नहीं। तो बने रहिए आप लोग, चले रहे हैं अभी मम्मी के पास और वहाँ चल के आप लोगों से मिलवाते हैं। सो गाइस अभी चलते हैं, रेडी हो गए हैं और अभी चलते हैं पूजा करने। बाकी बाल धो रहे हैं आज काफ़ी टाइम बाद, तो थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। ये भी सो के उठ गए हैं, तो चलिए। हे गाइस, तो यहाँ पे मंदिर की सफाई कर रहे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पहले पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाने के बाद आप लोग देख रहे हैं फिर बर्तन धोना होता है मंदिर का। तो मंदिर का बर्तन धोने के बाद फिर पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी और वो बैठे हुए थे, तो इसीलिए हम बोल नहीं पा रहे थे, मतलब बोल नहीं पा रहे थे कि मतलब यहाँ पे कुछ वॉइस नहीं दिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। और फिर से मंदिर के लिए भी कर्टन वगैरह लेना था, मम्मी को मोती वाला पसंद था। तो आप लोग देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या बात हुई यहाँ पे, और हमको पता भी नहीं था, वीडियो शूट वगैरह हमने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी शूट हो गया है। और घर कितना अच्छा लग रहा है अब, इधर वॉलपेपर लगने से ना घर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे हम दीपक जला के और पूजा कर रहे थे, तो वो बोले कि अरे पूजा पाठ हो गया, तो फिर हमने बोला हाँ पूजा हो गया। तो आप लोग आगे देखिए, पूजा करने के बाद जस्ट मम्मी पापा से आशीर्वाद लेते हैं, तो यहाँ मम्मी से लिए आशीर्वाद। दे रही है तो राइट से चलो और चीज में प्रॉब्लम है बेटा। लग रहा है बहुत लगे हैं।
मोड़ के लग गए और कट पीसवा हटवा के दूसर लगाएंगे एगो वहाँ से यहाँ नीचे नीचे लगे उसी पर कुछ लग जाएगा तो हो जाएगा क्या कुछ लगती होगा यहाँ पे वो लग जाएगा उसको भी नहीं लगवाना चाहिए था लाइट साइड व्हाइट होता है दोनों साइड भी चाहिए। गाइस तो अभी देख रहे हैं हमारे घर में पूरा ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है और यहाँ भी तो बहुत ही सुंदर आ रहा है और यहाँ से तो और भी सुंदर आ रहा है। दोस्तों जिनको भी ये वाला ड्रेस लेना है ना आप लोग ले सकते हैं, आप लोग को इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। बाबू लो तुमको पता मेरी चांद गुजर मेरी खिड़की से। ये गाइस तो आप लोग देख रहे हैं ये ही ड्रेस के बारे में हम बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग ले लीजिए। सच बताओ ना ये ड्रेस सच में बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो जल्दी से जाइए, आज सेल का लास्ट डेट है तो आज आप लोग ले लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं थोड़ा चाय वाय पीते हैं, बने रहिए आप। तभी हम आ गए किचन में और आंटी जी ये सब खाना वाना बना लिए तो हम हल्दी नमक अपने अकॉर्डिंग डाल दिए हैं और अभी आंटी जी इसमें पानी डाल दी जैसे ही हम उधर गए तो अभी इसको तेज आंच करके सुखा रहे हैं और इसमें और भी मसाला डालना है तो डाल देते हैं यहाँ पे निकालना है। गाइस तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हम बनाए हैं सत्तू और बाकी दाल वाल फ्राई हो गया तो अभी हमें खाना दे दिया है और अब चलते हैं मम्मी को सत्तू देने। इसमें जीरा डाल दिए, नींबू, नमक, प्याज नहीं डाले, प्याज भी डाल सकते हैं आप, मिर्चा भी डाल सकते हैं। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास। तो अभी खाना पीना तो बन गया है, बाकी अभी हम बैठे हुए हैं। अभी बगल वाला रूम भी साफ़ हो रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है और मेरे को ना वैसे भी जुकाम जैसा हुआ है, बार बार छींक आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन आज हम बाल धोए हैं तो थोड़ा फ्रेश दिख रहे हैं वीडियो में भी और सामने से भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बाल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और बहुत ना ड्राई हो गया था बाल, तो इसलिए हमने सोचा कि आज धो लेते हैं बाल भी। बाकी अभी चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी को देते हैं नाश्ता और आज बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आज ना मतलब आप लोगों को ना बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे इस व्लॉग में, आप लोग ज़रूर देखना। एंड आप लोग को बता दें कि आज ना मीशो पे लास्ट डेट है सेल का। बहुत लोग ना कमेंट करने के, दीदी आपने ये जो ड्रेस पहना हुआ है ना इसमें का हमने मंगाया है, सच में बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है। तो हमने देखा ये चीज़ सच में बहुत अच्छा है, ये बहुत पता है इस ये इतना सॉफ्ट है ना इसका फैब्रिक और बाजू पे भी ऐसा दिया हुआ है, फ्रंट में भी, तो पहने के बाद लुक बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं इतना सुंदर दिख रहा है। हे गाइस तो अभी चलते हैं, पापा मम्मी को दे देते हैं नाश्ता और चलते हैं। रोटी भी है, आंटी जी भी बोले थे काफ़ी जाने के लिए तो आंटी जी देख रहे किस तरीके से रख के गई हुई है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अभी हमने इतना सुंदर सा ये सेट पहना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक यहाँ पे मोती है, सॉरी स्टोन है और यहाँ वाइट कलर का मोती है। इसके साथ दो इयररिंग्स है और एक टीका भी है। तो अभी हम जस्ट पैक कर रहे थे और बहुत अच्छा है, दोनों एक साथ हमने लिया हुआ है 100 कुछ रुपये में। अगर आप सभी को भी लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, इतना अच्छा नेकलेस अगर आपको 100 कुछ रुपये मिल रहा है तो आप लोग ज़रूर लेना, क्योंकि ये सिर्फ ऑफ़र आज ही भर है। अगर आज आप लोग रात तक भी ऑर्डर कर लोगे ना तो आपको सस्ता मिल जाएगा। तो देर मत करिए, जो भी लेना है हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और ये चोकर सेट सब साथ में आएगा तो आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। इसमें और भी कलर ऑप्शन है लेकिन मुझे तो यही वाला पसंद आया और सच में वाह, इसको हम सिंगल भी पहन सकते हैं। जैसे हम इसको अभी निकाल देते हैं तो हम इसको भी ऐसे पहन सकते हैं साड़ी पे या कोई भी चीज़ पे, और इसको लॉन्ग सेट में करके पहन सकते हैं। इसका इयररिंग भी इधर ही है, कहाँ इसका इयररिंग रखा हुआ है, अच्छा डब्बा में है यहाँ पे। तो ये है इसका दो इयररिंग, लेकिन इयररिंग भी बहुत अच्छा है, हेवी है, तो आप लोग ज़रूर ले लेना इसको। चलिए अब हम चलते हैं नाश्ता करने। तो दूध आया था तो दूध खा ला रहे थे, बाकी यहाँ पे जो भी सामान था हमने सब साइड में कर दिया इधर। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट कर शेयर कीजिएगा और जाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी उधर साफ सफाई चल रहा है तो अब हम भी चलते हैं और देखते हैं जल्दी जल्दी अब करवा देते हैं। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।